इसलिए अपन स्प्लिट ही रखेंगे, 10 में बिक रहा है 10 में ही बेचेंगे, चाहे सस्ते में बने चाहे महंगे में, ताकि मार्केट में फ्लक्चुएशन ना आए। तो ये हमारा काम है। 12.5 में बनेगा तब भी 10 में बेचेंगे, 8.33 में बनेगा तब भी 10 में बेचेंगे, कस्टमर को कुछ नहीं पता, तुम्हें डिसाइड करना है कि रेट क्या रखना है। 8.33 मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूं ना, हाँ ऐसे ही लिखूंगा, सिस्टमेटिक लिख दूं। एग्जाम्पल में थोड़ा कम लिख पाया ना, डाउट इसमें क्लियर है ना? 3 केसेस में नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से 10 जोड़ना चाहिए, एक्चुअल के हिसाब से 10 जोड़ दो, नॉर्मल के हिसाब से 10 जोड़ना चाहिए, एक्चुअल के हिसाब से 12.5, तो कितना 10 जोड़ दो, नॉर्मल के हिसाब से 10 जोड़ना चाहिए, एक्चुअल के हिसाब से 8.33 दो, 8.33 जोड़ दो। इसमें तुम नोट लिख लेना अपने समझने के लिए, अगर 10 रुपए पर दिखाएंगे तो
लिया। सबने नोट कर लिया? नहीं करा? कर लूंगा। लिख लिया ये? एक एक कॉन्सेप्चुअल बात थोड़ा समझना। इस केस में देखना हम क्या करेंगे। इन्वेंट्री को अगर मान लो हम कुछ ना बेच पाए, मान लो हम कुछ ना बेच पाए, तो इन्वेंट्री कितने रुपए में दिखेगी बताओ? इस केस में हम कुछ ना बेच पाए तो इन्वेंट्री कितने में दिखेगी? सोच सोच के बताओ। तो कितने में देखेगी? कितने यूनिट बनी है? 24,000। एक पे कितना ऐड किया? 10, तो कितना? 240। और इतना ही आप रिकवर कर पाओगे बेच के? ये पढ़ा है तुमने? क्योंकि आप एक यूनिट पे कितना चार्ज करोगे? 10। और कितनी बनी है? 24,000। तो कितना चार्ज कर लोगे? 240। और कितना कभी नहीं रिकवर कर पाओगे? 60। इसे हम क्या बोलते हैं? अंडर रिकवरी। क्या बोलते हैं? अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स ओवरहेड। जो अंडर रिकवरी है उसका क्या करोगे? ये कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चार्ज करेंगे इसको। आराम से देखें इसको। आप 24,000 यूनिट बेचोगे, 10-10 रुपए के हिसाब से दिखा दोगे आप। बैलेंस शीट में भी दिखाओगे तो कुछ ना बिका तो 2,40,000 पे ही दिखा पाओगे आप। खर्च हुआ है 3,00,000 का, जो इन्वेंट्री कॉस्ट में कितना जोड़ 40, तो 60 का खर्चा ऐसा है जो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बना, बर्बाद हो गया पैसा, वो रिकवर नहीं होगा। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? पीएनएल। क्या इस केस में ओवर रिकवरी आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये 3,00,000 ही आएगा क्योंकि हमने उसको एक्चुअल पर ही दिखाया है। तो अगर हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया तो ओवर रिकवरी नहीं होगी। अब मतलब हम कर नहीं रहे ओवर रिकवरी, लेकिन अगर कम प्रोडक्शन किया तो अंडर रिकवरी होगी। और जो कहाँ चार्ज की जाएगी? पीएनएल पे चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखना सातवां पॉइंट है। नहीं, सातवां तो पहले हो गया था, 8 नौवा। नौवा देखो, फिर लिखना बाद में लिखना, ये 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं मैं। कुछ खर्चे हैं जो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, जैसे एक दो आराम से बता सकते हैं हम कि सेलिंग का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, है ना, ये नहीं बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कॉस्ट का पार्ट बनता है या नहीं बनता? वो कॉस्टिंग में बनता है। जो तुम कॉस्टिंग में सीरीज बनाते हो ना, तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और मतलब प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद आता है तुम्हारा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी बोलते हो तुम उसको। उसके बाद तुम उसमें क्या करते हो? एडमिन जोड़ते हो। एडमिन के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अकाउंट में ऐसा लाओ नहीं, ठीक है, वो कॉस्टिंग के पर्पज से। कॉस्टिंग मैथमेटिक्स है, आपको ये निकालना कि हम कितने में बेचें, कितना कमाएंगे, वो सब उनका काम। ठीक है, अकाउंटिंग में एएस के हिसाब से करना है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो फॉलोइंग कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये चीजें इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगी।
जैसे तुमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, नॉर्मल लॉस इन्वेंटरी का पार्ट, नॉर्मल नॉर्मल बनता है या नहीं बनता, और एबनॉर्मल लॉस हो तो नहीं, जो एबनॉर्मल होगा वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। स्टोरेज का खर्चा कॉस्ट का पार्ट तब तक नहीं बनेगा इन्वेंटरी की, जब तक कि इन्वेंटरी को प्रोड्यूस करने के लिए स्टोरेज करना बहुत ही जरूरी ना हो। जैसे शराब बनाई जाती है तो उसको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, जितनी पुरानी उतनी नशा होता होगा उसमें, जो भी बोल रही है अंजलि बताएगी। तो अगर स्टोरेज करना प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी था तो ही स्टोरेज का खर्चा कॉस्ट का पार्ट बनेगा, अदरवाइज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखवा देता हूं क्या क्या चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। हाँ मैं भी बहुत गया। थोड़ा सा और लिखकर ये समझा देता हूँ, बाकी कल करा दूंगा, ठीक है, टेस्ट की तैयारी करनी है तुम्हें। हाँ हाँ 5-10 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो टाइम पे छोड़ दूंगा, तो क्या करूं, छोड़ू कि थोड़ा रहने दो, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो लो ये वाला आखिरी पॉइंट है, ठीक है, मैं मार्कर बंद कर देता हूँ, मैं थोड़ा दूर चला तो ऐसा लगे कि हाँ हो गया आखिरी, देख लो इसको समझ लेते हैं बस, ये आखिरी पॉइंट। हाँ तो बैठो शांत शांत बैठो, इसको ही वैसे याद करा दूंगा और ऑफ कर दूंगा क्लास, ठीक है। जितना हमने लिखा है सिर्फ 1/5 और बचा है जो हमें लिखना है, 1/5 बचा है, मतलब 4/5 हो गया है, 1/5 बचा हुआ है,
और हाँ कल ही लिखवाऊंगा, कल ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, केवल इसको तुम्हें रिवाइज करा दूंगा और छुट्टी है मेरी तरफ से। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट है। एस टू तो हर हाल में ही है, ठीक है, इसलिए हम इसको ठीक से पढ़ रहे हैं। लिख लिया क्या? हाँ, थोड़ा होश में रहो, हमें बस रिवाइज करना है और ऑफ कर देंगे। इसमें आखिरी बात नहीं करनी, प्लीज प्लीज रिवाइज कर लेते हैं हम, ताकि हम सीधे क्वेश्चन आंसर कर पाए। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, अंडर रिकवरी को पीएनएल में ले जाएंगे, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ये वाला पॉइंट सुनना ध्यान से, है ना, आप जब इन्वेंटरी की कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट में आप खर्चे जोड़ते हैं, वेरिएबल ओवरहेड जोड़ते हैं, फिक्स ओवरहेड जोड़ते हैं, लेबर का खर्चा, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है वो इंक्लूड नहीं होगा, उसको अलग दिखाते हैं हम, और वो कहाँ चला जाता है, पीएनएल में चार्ज करते हैं। जो नॉर्मल लॉस होता है वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, हम उसको बांट देते हैं। कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, नॉर्मल एबनॉर्मल के पूछते हैं वो तुमसे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट में इन्वेंट्री का पार्ट तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि उनका सीधा संबंध प्रोडक्शन से ना हो। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा इसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मान लो हम क्या कर रहे हैं, ऑफ साइट जाके कहीं दूर जगह जाके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हमें बनाना था, बड़ी मशीन बनानी थी, हम कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, वहां एक बंदे को अपने सुपरवाइजर के रूप में लगा रखा है, वो सुपरवाइज करता है, और एक अकाउंटेंट बिठा रखा है जिसका ये काम है कि वहां जितना भी खर्च हो रहा है उसको वो रिकॉर्ड करेगा, सैलरी बांटेगा वहीं पे साइट पे। तो साइट पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां एक अकाउंटेंट लगाया है। अकाउंटेंट का खर्चा कौन से ओवरहेड का पार्ट बनता है, सेलिंग, एडमिन या फैक्ट्री? अकाउंटेंट का खर्चा एडमिन। लेकिन चूंकि वो अकाउंटेंट उसी पर्पज से लगाया गया है कि वो उस प्रोडक्शन को देखे, उस अकाउंटिंग करे, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। स्टोरेज का खर्चा ऐड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ना तो ये प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा है, ये तो लोकेशन पे रखे रखे खर्चा हो रहा है, और ना ही ये कंडीशन को क्या करता है, चेंज करता है। आप मटेरियल लाके रख देते हैं, बस रख दिया आपने, तो क्या स्टोरेज जो वेयरहाउस में आप रखते हैं, तो क्या वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन में के लिए रखा है क्या? तो वो खर्चा ना तो प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का है और ना ही प्रेजेंट कंडीशन तक लाने का है, वो तो बस हमें स्टोर करना था क्योंकि हमारा काम रुका हुआ था, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। वो कॉस्ट का पार्ट बन सक, वो जरूरी था। किसके एग्जाम्पल मैंने दिया तुम्हें, बायन की स्पेलिंग मुझे आ जाए तो, ए वाले, हाँ कल देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, और इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, लेकिन बाइन के केस में वो भी बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बाइन, क्योंकि बाइन को बनाने में टाइम लगता है, तो जितने समय तक पैसा फंसा रहेगा वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब कॉपी बंद कर लो, ये रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है, और बस छुट्टी है मेरी तरफ से। इसको बोले एक बार, ये थ्योरी में पूछे तुमसे क्या क्या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, बात नहीं करनी प्लीज, क्या क्या कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, एबनॉर्मल का खर्चा वो नहीं मानेंगे। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं मानेंगे जब तक कि वो डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। तीसरा, स्टोरेज का खर्चा नहीं मानेंगे जब तक कि वो जरूरी ना हो। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और आखिरी में लिखा है इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट नहीं बनेगी। AS 16 है, उसमें लिखा हुआ है कि कब वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा ब्याज, तुम्हारे लिए AS 16 है नहीं, इसलिए उसकी टेंशन तुम मत लो। ठीक है, अब पूरा एक बार रिकैप कर लें हम, पूरा जो भी पढ़ा था, दो मिनट लगेंगे, कॉपी बंद कर दो तुम, ठीक है, याद रहेगा, याद ही करना है हमें ये, कम से कम घर जाके तो ना पढ़ना पड़े, यही हो जाए। तो हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, तो क्या था इन्वेंट्री का मतलब, एसेट हेल्ड, ठीक है, फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया इन्वेंट्री की डेफिनेशन, मतलब फिनिश गुड्स, WIP और रॉ मटेरियल सब कुछ आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताना, तुम मशीन चलाते हो, उसमें वो रहता है ग्रीस लगाते हैं उसको, है ना, रन करने के लिए ऑयल लगाते हैं, तो क्या वो इन्वेंट्री बनेगा? पूछ लो,
सोच लो बनेगा या नहीं। आप उसको कंज्यूम करते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तब प्रोडक्शन में वो क्या होता है, कंज्यूम होता है, इसलिए वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल्स। आप डेफिनेशन पे जाना, जो भी लिखी हुई है उससे इंटरप्रेट करना सीखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पॉइंट क्या था इन्वेंट्री की डेफिनेशन के बाद, वैल्यूएशन। तो फिनिश गुड्स को किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच आर लोअर को, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस को, कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच आर लोअर। इसलिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो वर्क इन प्रोग्रेस का दिया था, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में और बैठे कि उसे हमें कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच आर लोअर पे मैंने दिया एग्जाम्पल वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ दिया 250 60। हाँ, और रॉ मटेरियल किस पे दिखाएंगे, कॉस्ट। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि उससे बनने वाला फिनिश गुड्स कम पर बिकेगा तो उसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर दिखाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हाँ, जब वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे हम वो आइटम बाय आइटम करेंगे या कैटेगरी बेसिस पे करेंगे, ग्लोबल नहीं करेंगे। जब आप वैल्यूएशन कैटेगरी बेसिस पे करते हैं तो एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट को कंपेंसेट कर देता है, काफी हद तक कंपेंसेट कर देता है। चौथा पॉइंट क्या था, एनआरबी। हाँ, एनआरबी का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, एनआरबी। उसके बाद बात करी हमने कॉस्ट की, तो उसमें क्या होगा, परचेज कॉस्ट इंक्लूड होगी, ठीक है, और कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। ये फिर से बोलो, तुम्हें आ रहा है क्या, देखना, कॉस्ट मीन्स परचेज कॉस्ट एंड इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग